तेरे घर के सामने हम अपनी जान देंगे। गाइज अगर आपको इस तरीके की रील्स बोलनी हो कि किसी के सामने, तो आप क्या बोलेंगे? आप बोलते हैं इन फ्रंट ऑफ। लेकिन आपको इस वीडियो में बताऊंगा 3 से 4 ऐसे वर्ड जो कि इन फ्रंट ऑफ के स्थान पर यूज हो सकता है। सो कीप वॉचिंग माय वीडियो टिल द एंड, यू विल गेट समथिंग स्पेशल इन दिस वीडियो। प्लीज कीप वॉचिंग नाउ। लेट मी जस्ट टेल यू द फर्स्ट वन। सबसे पहला हमारा इन फ्रंट ऑफ। इन फ्रंट ऑफ का यूज कहाँ करा जाता है? इन फ्रंट ऑफ का यूज वहाँ करा जाता है जब कोई चीज़ सामने हमारी स्टेबल होती है या नॉन लिविंग चीज होती है, वहाँ पर इन फ्रंट ऑफ का इस्तेमाल या यूज किया जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, इफ आई टेल यू दैट माई कार इज इन फ्रंट ऑफ माई हाउस, इसका मतलब अगर मेरी कार मेरे घर के सामने है तो मेरी कार रुकी हुई है, नॉन लिविंग है, तो वहाँ पर मैं क्या बोलूँगा? इन फ्रंट ऑफ माई हाउस, इस तरीके से। या बोल दूंगा मैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल जितेंद्र स्वीट हाउस, ऐसे कोई स्वीट हाउस है जितेंद्र नाम का मान लीजिए, और वो है कंगना पैलेस के सामने, तो कैसे बोलूँगा? जितेंद्र स्वीट हाउस इज इन फ्रंट ऑफ कंगना पैलेस। सो इट इज द मीनिंग ऑफ दिस, एग्जैक्टली द रूल यूज ऑफ दिस, क्लियर? तो इन फ्रंट ऑफ का मतलब जो चीज़ लॉन्ग लिविंग। अब इस तरीके से नहीं बोल सकते, बोल देंगे टेंशन लेने की बात नहीं, स्पोकन में सब कुछ चलेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप बोलते हैं गाइज मैं आपके सामने कुछ कहना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू से इन फ्रंट ऑफ यू, दिस इज ऑल्सो ओके, बट इफ यू जस्ट टॉक अबाउट प्रॉपरली ग्रामेटिकली सो दैट विल बी सेंसिबली सो दैट विल बी something wrong exactly, so that's why I'm going to tell you that क्या करेंगे आप वहाँ पर in front of का use नहीं करने वाले, कुछ और use करने वाले। चलिए देख लेते हैं तो क्या use करते हैं, clear? तो वहाँ पर use होने वाला है, अगर कोई चीज़ सामने हमारे leavings है वहाँ पर use होता है before। क्या होता है before? before का मतलब वैसे पहले होता है, बट आप लोग यहाँ पर यूज कर सकते हैं before के बाद कोई, जैसे मेरे सामने before me, लोगों के सामने before people, animal के सामने before animal, father के सामने before father। जैसे कहें मैं फादर के सामने कैसे जाऊंगा, हाउ विल आई गो बिफोर माय फादर, इस तरीके से, राइट? मैं उसके सामने कैसे जाऊंगा, हाउ विल आई गो बिफोर हर, इस तरीके से आप बोल सकते हैं। तो बिफोर का मतलब लिविंग चीज जब सामने होती है, या गाइस आई वांट टू टेल यू टुडे समथिंग वेरी स्पेशल हियर बिफोर यू, मैं आपके सामने बहुत ही स्पेशल चीज बताने वाला हूँ, तो ऐसे ऑडियंस को बोला जाता है बिफोर यू, इन फ्रंट ऑफ यू बोला जाता है, ये भी बोला जाता है, बट इन फ्रंट ऑफ यू विल नॉट डू प्रॉपर एंड अप्रोप्रिएट वर्ब फॉर यूजिंग देयर, एग्जैक्टली देयर विल यूज ओनली द अप, यू नो, बिफोर, नॉट इन फ्रंट ऑफ। हैव यू गॉट द पॉइंट्स बिटवीन दिस? नाउ लेट मी टेल यू द नेक्स्ट वन, वी हैव द अपोजिट। अब हमारे पास क्या था? अपोजिट, पहला था इन फ्रंट ऑफ नॉन लिविंग के सामने, दूसरा था हमारे पास बिफोर जो होता है लिविंग के सामने, नेक्स्ट हमारे पास होता है जिसको कहते हैं अपोजिट ऑफ, इस तरीके से यूज करते हैं। तो अपोजिट ऑफ का यूज कब करा जाता है? ये तब किया जाता है जब हमारे कोई अगेंस्ट होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल दैट ये प्रधान इस प्रधान के सामने खड़े हैं, सामने का मतलब नहीं सामने सामने खड़े हैं, इसका मतलब होता है उसके अगेंस्ट में खड़े हैं। तो कैसे बोलेंगे? या बोलेंगे अगेंस्ट ऑफ, या बोलेंगे अपोजिट ऑफ, या बोलेंगे दिस टीम इज अपोजिट ऑफ दैट टीम, इस तरीके से बोल सकते हैं, क्लियर ना? जैसे इंडिया टीम इज अपोजिट ऑफ ऑस्ट्रेलिया टीम, इस तरीके से बोल सकते हैं। या बोलेंगे रमेश प्रधान इज अपोजिट ऑफ राहुल प्रधान, इस तरीके से आप बोल सकते हैं आसानी से, क्लियर? तो अपोजिट ऑफ का मतलब ये वाला, जैसे यू आर स्टैंडिंग अपोजिट ऑफ मी, मतलब आपकी वहाँ टीम है मेरी यहाँ टीम है, या फिर आप उधर झगड़ा कर रहे हो मैं इधर झगड़ा कर रहा हूँ, तो हम लोग अपोजिट में खड़े, अपोजिट में, जिसको अगेंस्ट ऑफ भी कह सकते हैं। चलिए देख लेते हैं हमारे पास नेक्स्ट वाला है जिसको कहते हैं ahead of, ahead of को इस्तेमाल कहाँ जगह करते हैं? ahead of का मतलब भी होता है कि सामने, for example if you have seen the class what happens then the children and students are sitting in the class, क्लास में स्टूडेंट्स बैठे होते हैं और कुछ लोग आगे होते हैं कुछ लोग पीछे होते हैं, बैक बेंचर्स एंड फ्रंट वाले होते हैं, क्लियर? तो जो बैक बेंचर, मान लीजिए मैं बैक बेंचर हूँ और वहां से मैं कह रहा हूँ कोई पूछे भैया दीपक कहाँ है, दीपक, तो मैं कहूँगा ही इज अहेड ऑफ मी, इसका मतलब होता है मेरे सामने है, क्लियर? तो यहाँ पर क्या होगा, अहेड ऑफ मी का यूज किया जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल है अगर मुझे कहना है कि सत्येंद्र भैया कहाँ है, तो मान लीजिए वो ऑडियंस में बैठकर मूवी देख रहे हैं, क्लियर? तो कैसे बोलेंगे, सत्येंद्र भैया इज अहेड ऑफ मी, इसका मतलब वो मेरे सामने है, मतलब उसका उनका मुख किधर है, मेरी साइड है, जैसे मैं ऐसे खड़ा हूँ तो वो भी उधर खड़े हैं, उस तरीके से क्या बोलेंगे, अहेड ऑफ। अरे ऐसे देख लीजिए ना, यू मैं खड़ा हूँ ये मेरे भैया हैं, तो ये क्या आ गया, अहेड ऑफ, क्लियर गाइस? तो हैव यू गॉट द पॉइंट्स नाउ द हाउ टू यूज बिफोर इन फ्रंट ऑफ अपोजिट एंड ऑल्सो अहेड ऑफ। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अगर आपको आज वीडियो अच्छा लगता है सब्सक्राइब कर जितने इस चैनल को, इसी तरीके से वीडियो के मिलते हैं अगले वीडियो। थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत।